उस आजाद ने जब एक अपोजिशन लीडर की पिटाई की थी तब आप हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहे इंस्पेक्टर? आपकी वजह से मंत्रियों की बातें सुन सुनकर हम परेशान हो चुके हैं। मैं जानता हूं सर, लेकिन एक बात है, उस विपक्षी नेता ने फाइनेंस कंपनी खोलकर हजारों लोगों का करोड़ों रुपया लूट लिया तब आपको कोई दुख नहीं हुआ। अब जब आजाद ने उस कमीने की पिटाई की है तो दर्द आपको हो रहा है। कहीं आपने तो उससे कोई फाइनेंस नहीं लिया? स्टॉप इट मिस्टर सलीम, तुम किससे बात कर रहे हो जानते हो? बम 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 मारो यार। हेलो, घबराइए मत, मैं तो ये मजाक कर रहा था। हाउ डेयर यू, सीनियर ऑफिसर के साथ ऐसा घटिया मजाक। तुझे कूल डाउन, क्यों जोश में आ रहे हैं इस तरह? हाँ, बम का नाम सुनते ही टेबल के नीचे छुपने वाले आप लोग क्या लोगों की जानें बचाएंगे? लेकिन बॉम कहां है इसका पता लगाकर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान बचाने वाला वो आजाद बिना यूनिफॉर्म का असली पुलिस ऑफिसर है। आपको सलाम करने के बजाय उसे सलाम करता तो इस वर्दी की पब्लिक के सामने कुछ अच्छी इमेज बनती। यहां सेंट्रल एसी रूम के अंदर बैठकर हाथ से ग्लोब में छपी हुई दुनिया को घुमाते हुए ये मत सोचिए कि यही दुनिया है। दुनिया कैसी जानना है तो आजाद की तरह सड़क पर आकर देखिए। अरे आखिर कौन है वो? मैंने एक से पूछा तो कहा कि घोड़े पर जा रहा था वो, जब दूसरे से पूछा तो उसने कहा ऑटो में जा रहा था वो, और जब तीसरे से पूछा तो उनके भगवान को दिखाया। आखिर कौन है ये आजाद जो हमेशा मेरी ही तरह सोचता है? मैं जो भी करने जा रहा हूं उससे पहले उसका पता लगा लेता है वो। कैसे? उस आजाद को एक बार देखना है मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार। अगले जुम्मे को तारीख क्या है पता? दिसंबर 6। हाँ भाई, उस दिन हिंदू सेवा समिति की तरफ से नेहरू स्टेडियम में महायज्ञ का इंतजाम कराओ। हजारों की तादाद में लोग आएंगे और वहां आजाद भी जरूर आएगा। वहां का जो घंटा घर है, जब उसकी घड़ी में ठीक एक बजेगा तब पूरा स्टेडियम बम से उड़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार, सिर्फ एक बार उस आजाद को देखना चाहता हूं मैं। हिंदू सेवा समिति की तरफ से आप सब लोगों से विनती करता हूं कि दिसंबर 6 तारीख शुक्रवार की पहली पहर ठीक 12 बजे। दिसंबर 6 तारीख, बाबरी मस्जिद के टूटने की सालगिरह। उसी दिन देवा ने महायज्ञ का आयोजन किया है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अब क्या करें गुरु? देवा, 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 ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। खुदा हाफिज। हिंदू सेवा समिति के भक्तजनों को नमस्कार। हमारे पूजनीय श्री 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 देवा जी को यहां होने वाले महायज्ञ के अवसर पर छोटा सा एक उपहार देना चाहता हूं। हमारे हिंदू धर्म का सर्वप्रथम नाद है ओमकार, वही महत्वपूर्ण नाद है। हमारे पूजनीय देवा जी के नस नस में, शरीर में और आत्मा में पूरी तरह से लीन हुआ नाद है ओमकार। उस ओमकार के चिन्ह ओम को इस मौके पर उनके माथे पर गोदने का हमारा विचार है। जब तक मैं ये मुद्रा गोद न लूं, तब तक आप ओम का ऐसा जाप कीजिए कि वो आवाज सिर्फ भूलोक में नहीं बल्कि देवलोक में भी गूंजती रहे। दिन में 5 बार नमाज पढ़ के जिस माथे पर निशान पड़ना चाहिए उस माथे पर ओम गुरुद्वारा है। आजाद, मजहब चाहिए या ये झूठा लिबास चाहिए, इसका खुद ही फैसला करो। कहा है? यहीं, इन्हीं के बीच मौजूद है वो।
आजाद, बाहर निकला नहीं तो इसे भून दूंगा। आजाद, तू जहां भी है बाहर निकला, तू नहीं आएगा। ओके, तू उसे दिखा दे, चल दिखा, बता कहां है वो, बोल, बता कहां है वो, मुझे कुछ मत कहो, बोल, बता तो, बता तो, वो उस दरवाजे के पीछे। आजाद को देखना चाहते हो ना? वो कोई और नहीं, मैं हूं। अपने आप को सरेंडर कर दो देवा। और कोई रास्ता नहीं है। तुम समझते हो तुम जीत गए? अब से 20 सेकंड के बाद जब घंटा घर की घड़ी में ठीक 1 बजेगा, पूरा स्टेडियम खत्म। मुझे गिरफ्तार करना चाहोगे या अपनी अपनी जान बचाना चाहोगे? मैं जानता था तू ऐसा ही कुछ करेगा, इसीलिए उस घड़ी को आधा घंटे पीछे किया है। वो देख, कारगिल से पत्थर का एक टुकड़ा तक नहीं ले पाए, पूरे कश्मीर की मांग कर रहे हो तुम लोग। कश्मीर तो क्या, इस भारतवर्ष की मिट्टी का एक कण भी नहीं मिलेगा। शांति चाहते हो तो हथियार फेंक दो और बैठ के बात करो। आजाद, साइनाइड एम्बुलेंस। चलो जल्दी, बंद करो, सर हटो जल्दी। डॉक्टर, याद मुझे जिंदा चाहिए। सॉरी ऑफिसर, ही इज क्लिनिकली डेड। शिट, वालेकुम अस्सलाम। इस दाऊद को मौत भी नहीं मार सकती। जातस्य मरणं ध्रुवं। आजाद, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं मैं। आपकी बहन की लिस्ट के मुताबिक सब कुछ ले लिया, अब और क्या देख रहे हैं? सिर्फ एक चीज बाकी है। वो क्या? रेशमी साड़ी। किसके लिए? जो मेरे मन में बसी है उसके लिए। जान सकते हो कि वो कौन है? जरूर जान सकती हो, लेकिन अभी नहीं। मेरी बहन की शादी में आओगी तो बता दूंगा। आओगी ना? सर, आपको क्या चाहिए? इन्हें देखिए, इनके रंग को जो जचे ऐसी साड़ी चाहिए। दाम जो भी हो कोई बात नहीं। जी अच्छा। छिपकली कैसी हो? मैंने कहा था ना आपसे छिपकली के बारे में, ये वही है। हाय। अरे इंग्लिश इंग्लिश नहीं जानती, आइए। हाय।
माँ यही अंजलि है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटी। गौरी कहाँ है माँ? जानता है उसने आजकल एक नई बात सीख ली है। वो क्या? शर्माना। अच्छा ये बात है, फिर तो फौरन देखना पड़ेगा। तुम माँ के साथ आ जाना। अंकल जरा पकड़ना। हाँ हाँ ला बेटे। बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी हो। माँ जी महालक्ष्मी तो मैं हूँ ना। गौरी 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 कहाँ हो तुम? देखो भैया तुम्हारी लिस्ट का सारा सामान ले आया। बेटे ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ नहीं आंटी, अपनी बहन को ढूंढ रहा हूँ। तुमने मेरी बहन को कहीं देखा? नहीं जी। तुमने कहीं देखा उसे? नहीं तो। अरे ये तो मेरी बहन जैसी लग रही है। आपने मेरी बहन को कहीं देखा? अरे बेटा हा? क्यों उसे चिढ़ा रहा है? गौरी देखो भैया कितने दिनों बाद आया है, देखो ना। क्या कह रही हो माँ, ये अपनी गौरी है? सच कह रही हो? मालूम होता है चंद्रू शहर जाने के बाद हम सबको भूल गया है ना चंद्रू? ए छिपकली तू चुप रह। तुम क्या कह रही हो माँ, ये जो शर्मा के खड़ी है ये मेरी बहन गौरी है? ये मेरी बहन गौरी होती तो बक बक करके अब तक मेरी जान खा जाती। ठीक 6 बजे बारात आ जाएगी, तुमने जैसे चाहा वैसे ही धूमधाम से शादी हो जाएगी। बहन की शादी तो धूमधाम से करा रहे हो, अपनी शादी के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? जरूर सोचा है माँ, तभी होने वाली बीवी के लिए ये रेशम की साड़ी लाए हैं। बहुत अच्छा किया तूने, अब अपने हाथों से दे देना, खुश हो जाएगी। बाद में देता हूँ माँ। दे देना। ठीक है। ये लो भैया। आप अपने हाथों से मेरी मंगेतर को दे दीजिए। बददिमाग शरीर लड़की है पर भोली भाली है, मुझसे बेहद प्यार करती है और मैं भी उसे चाहता हूं। महालक्ष्मी आओ इनसे साड़ी लो। मैं शर्मा रही थी तब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, अब देखो भैया किस तरह शर्मा रहे हैं। अब तुम बताओ अंजलि, अपनी शादी की दावत तुम कब दे रही हो? ये इतना आसान नहीं है माँ, इनके काबिल लड़का भी तो मिलना चाहिए। क्या कमी है उसमें? वो सुंदर भी है, सुशील भी, मुझे से भी चाहेगी, वो उसे जरूर मिल जाएगा। अगर आपके मन में कोई है तो मुझे बताइए, मैं जाके उससे बात करूंगा। वो अगर सीधा साधा है तो चंद्रशेखर बन के बात करूंगा, और अगर वो टेढ़ा किस्म का है तो आजाद बन के जाऊंगा। ठीक है।